ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या पढ़ाए थे हम तुम लोगों को? तो हम बताए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी खास एंगल पर हम किसी बॉडी को एक निश्चित वेलोसिटी से फेंक देते हैं, जिससे उसका इस प्रकार का मोशन होता है कि उसकी इसे अंडर ग्रेविटी मूव करने के लिए हम अलाउ कर देते हैं, और इसी के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है बच्चों, कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक्स एक्सिस मान लो और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लो, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हम बॉडी फेंक दिए, तो यू कॉस थीटा ये इस डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी होता है जो आगे बढ़ा के ले जाता है, और y डायरेक्शन में u sin थीटा वेलोसिटी होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बच्चों, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी भी बॉडी को फेंक दो, प्रोजेक्ट कर दो, तो फेंक दो एक निश्चित वेलोसिटी से निश्चित एंगल पर और अंडर ग्रेविटी मूव करने के लिए छोड़ दो, तो जैसा मोशन होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, कोई त्वरण नहीं होता है, कोई इसको धकेलता नहीं है, इसलिए वेलोसिटी या वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी घटते रहता है शुरू में, क्योंकि नीचे जी लगता है, ये ऊपर जाने में स्पीड घटते रहता है फिर बढ़ता है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वह बदलता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं, लेट ए बॉडी, माना कि एक बॉडी है, बी प्रोजेक्टेड, फेंका जाता है एट विथ वेलोसिटी यू फ्रॉम एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंक देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल को हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं, इस लाइन को x एक्सिस मान ली, इस लाइन को y एक्सिस मान ली। अब देखो बच्चों, हमको यहां पूरे मोशन में यह जो दिख रहा है जगह, यह तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का जगह है, यह जो जगह है वह मैक्सिमम हाइट का जगह है, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट तक जमीन तक आने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, जितना देर बॉडी हवा में रहा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इन सब का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ध्यान दो, बॉडी फेंकोगे तो अगर हम बॉडी फेंकते तो ऐसे ऐसे चलते 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 मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, तो देखो यह वेलोसिटी हमेशा आगे की ओर इतना रहेगा, इसलिए बॉडी आगे की ओर बढ़ते रहेगा, ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है शुरू में यू साइन थीटा है, बाद में यह घटते जाएगा क्योंकि नीचे जी लग रहा है, यह घटते जाएगा, घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर अब ऊपर की ओर वेलोसिटी नहीं है, तब ना अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, सीधे इस डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी बच रहा था, ऐसे गिर रहा है। सोचो कि अगर कोई बॉडी को फेंक रहे हो तो उसको दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक उसको आगे ले जाने के लिए और एक उसको ऊपर ले जाने के लिए, तो नीचे खींचने के लिए अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, तो इस वेलोसिटी को अर्थ धीरे धीरे घटाएगा, हम फेंक रहे हैं ऊपर और नीचे खींच रहा है, तो इस वेलोसिटी को घटाएगा और मैक्सिमम हाइट पर ऊपर जाने वाला वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो देखो इन वर्टिकल डायरेक्शन हम काउंट कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बातों को काउंट कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझना। देखो बच्चों, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ने का टाइम यही है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में
इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, शुरुआत में वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, तो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा ही उसको ऊपर लेके जा रहा है। और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चों, तो जीरो है। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या है, तो जीरो है। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूला हमारा वी बराबर यू माइनस जी टी होता है। अगर हम यू वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर वी वेलोसिटी हो गया बाद में, तो वी बराबर नीचे जी खींचता है, तो वी बराबर होता है फॉर्मूला यू माइनस जी टी। देखो ज्यादा सोचना नहीं है, एक बॉडी को हम ऊपर फेंके, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंके और उसको ग्रेविटी के अंडर मूव करने के लिए छोड़ दिए, तो जो उसका मोशन होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। देखो ऐसा फील लाना है अपने अंदर कि तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें कॉपी किताब लेकर बैठना पड़ेगा, बातों को नोट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके पीछे जो क्लास हम प्रोजेक्टाइल मोशन का दिए थे उसको पढ़ के डिफिनेशन को समझ के बैठना पड़ेगा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डायमेंशन होता है, दो डायरेक्शन होता है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अभी हम वाई डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो मेरा नजर सिर्फ इस डायरेक्शन को देख रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी यू साइन थीटा है और बाद में वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यहां पर जीरो है। ठीक, और नीचे की ओर जी खींच रहा है, तो वी बराबर यू माइनस जी टी लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या है, जीरो है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, कैसा वेलोसिटी जीरो है, तो जो ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी जीरो है। ठीक है बच्चों, तो जीरो लिख दिए। यू, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ले जाने वाला इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो यू साइन थीटा है माइनस जी टी, तो जी टी बराबर आ गया बच्चों यू साइन थीटा, तो टी बराबर आ गया यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला मेरा आ गया। टाइम ऑफ एसेंट क्या है मेरा बच्चों, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंक दोगे और ग्रेविटी के अंदर मूव करने के लिए छोड़ दोगे, तो जो बॉडी का मोशन होगा उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उसके दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हॉरिजॉन्टल में होता है जो बॉडी को आगे लेके जाता है, एक पार्ट वर्टिकल में होता है वो उसको ऊपर लेके जाता है, इसलिए बॉडी आगे और ऊपर दोनों बढ़ता है, इसे चलता है। ठीक है, ऊपर जाने वाले वेलोसिटी में नीचे जी लगता है और जी इसको खींचते रहता है, तो जी इसको खींचेगा तो इसके वेलोसिटी को बदलेगा। वैसे भी तुम जानते हो ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला वी बराबर यू माइनस जी टी यूज होता है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि उसके बाद तो ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, रुक गया है। कोई बॉडी ऊपर जाता है, रुकता है, फिर वापस आता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे जीरो लिख दिए। शुरुआत में क्या वेलोसिटी यू साइन थीटा है, जी टी। ऊपर जाने में, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, फॉर्मूला यू साइन थीटा बाई जी आ गया। इसे बाबू एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे, नोट्स बनाते रहोगे, खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे, फील डेवलप होते रहेगा। शुरुआत में लग रहा है ऐसा कि हम लोग पढ़ रहे कैसे, लेकिन बहुत ही शानदार क्लासेस सब जाएंगे, सभी चैप्टर्स बहुत शानदार बन के उभरेंगे, देख लेना एक दिन। ध्यान दो बच्चों, अब हमारा आता है बात, वर्टिकल डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हुआ, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, और टू जी एच, जहां एच जो है वह मैक्सिमम हाइट है, यही तुम्हारा एच है। तो टू जी एच बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच बराबर आ गया बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यही तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ, यही तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ठीक है, तो यहां से यहां ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और इतना देर में बॉडी क्या हाइट पे पहुंच गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी।
अब यहां से उतरने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ठीक है। उतरने में तो उतर कैसे रहा है, यह हाइट h है, वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो तुम पढ़े हो जरूर, क्या पढ़े हो कि वी स्क्वायर, सॉरी देखो तुम पढ़े हो जरूर टाइम के लिए कि h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, गिरने के लिए तो फॉर्मूला ही ना पढ़े हो। h मतलब टोटल हाइट अगर तुम लेते हो तो शुरुआत में वेलोसिटी जीरो लिख दिए, क्योंकि गिरने के लिए देखो हम लोग सिर्फ y को देख रहे हैं, तो y डायरेक्शन में गिरने के लिए वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्योंकि देखो जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में गया तो ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली ऐसे गया फिर ऐसे आया, बॉडी ऐसे गया है फिर ऐसे आया, वर्टिकल केवल देखो ऐसे गया है ऐसे आया, तो यहां जाके रुक गया है, तो आने के टाइम में यहां पे शुरुआत स्पीड उसका क्या है, जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू रख दो जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है, टू जी हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, जी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो टी बराबर आ गया यू साइन थीटा बाई जी। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, माने गिरने में समय, तो चढ़ने में जितना समय लगता है वही गिरने में समय लगता है, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट आपस में बराबर होते हैं। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला भी यही आता है बच्चों, यू साइन थीटा बाई जी, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दोगे तो बॉडी इस तरह से अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, उसमें वह एक मैक्सिमम हाइट से वापस लुटेगा, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू भी निकाल लिए और चढ़ने में क्या टाइम लगा उतरने में क्या टाइम लगा ये भी निकाल लिए, हटाते हैं इसे बच्चों, ठीक है। इसको नोट करते रहोगे, कॉपी लेके बैठे रहोगे, नोट करते जाओगे और वीडियो रोक के नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि जैसे स्कूलिंग में तुम्हारे कोचिंग में क्लासेज होती हैं उस तरह से तुम्हें नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, कोई तुमको टेंशन लेने का बात नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे तुमको बता दिया जाएगा, मैथ फिजिक्स के लिए कंप्लीट पैकेज ऑफ पढ़ाई तुम्हें 11th 12th के कोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है बच्चों। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वह टाइम जितना देर में, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वह टाइम जितना देर बॉडी हवा में रहा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट आ गया बच्चों यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी चढ़ने का टाइम उतरने का टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया 2u sin थीटा बाई जी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अब कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंक देते हैं और अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो मोशन होता है बॉडी का वह प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। u वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा उस बॉडी को आगे बढ़ाता है और u sin थीटा वेलोसिटी बॉडी को ऊपर ले जाता है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान बॉडी एक मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक पहुंचता है, वहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ एसेंट और वहां से गिरने में जो टाइम लगता है टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं और उस हाइट को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इस पूरे पैटर्न के दौरान हम ऐसा पाते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह जीरो होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा मोशन के दौरान जो टाइम रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी रहा, इस डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो अगर मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बात किया जाए, मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर बात किया जाए, मतलब इस डिस्टेंस को निकाला जाए आर, तो आर बराबर क्या होगा, तो आर कवर करने के लिए कौन सा स्पीड इस आर को कवर करवा रहा है, तो यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा ही वह स्पीड है जिसके कारण आर कवर हो रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है।
तो आर बराबर कौन सा स्पीड होरिजेंटल मोशन करा रहा है, यू कॉस थीटा, और यह हमेशा कॉन्स्टेंट है। टाइम कितना देर में बॉडी यहां से यहां पहुंचा है, तो कौन कितना देर में बच्चों, टू यू साइन थीटा बाई जी, मतलब इतना टाइम तक बॉडी यू कॉस थीटा से आगे की ओर बढ़ते रहा है। इस इधर ऐसे मोशन भले दिखाया है, लेकिन जब होरिजेंटल मोशन तुम देखोगे तो मोशन सिर्फ ऐसे हुआ है। वर्टिकल अगर इंक्लूड कर दिए तब ना मोशन ऐसे हुआ है, वर्टिकल मोशन ऐसे ऐसे हुआ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे हुआ है। ठीक, अब यहां से आर बराबर आ गया यू स्क्वायर टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा बाई जी। अब टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यह फॉर्मूला बच्चों याद रखोगे, टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा होता है, तो यह फॉर्मूला तुम निकाल देंगे। तो आज अभी तक के क्लास में तुम निकाले टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और होरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग में जब एग्जामिनेशन देते हैं स्कूल में, तो उन लोग को यह एक्सप्रेशन पूछता है स्कूल एग्जामिनेशन में, तो जैसे लिखवाए हैं बच्चों वैसे ही लिख देना है, ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, पूरा नंबर तुमको मिल जाएगा क्योंकि सब प्रोसेस को फॉलो किए हैं। ठीक है, तो इसमें सभी एक्सप्रेशन था। आज का क्लास क्या रहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें और एक्सप्रेशन निकालिए टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इतना को निकालना है। क्या यह सभी चीजें हैं और क्या एक्सप्रेशन निकाले यह तुम्हें हम बता दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थीटा बराबर 30 डिग्री पर बॉडी फेंक दिया गया और जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सब कुछ निकालना है। क्वेश्चन दिया है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया जाता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, जी का वैल्यू 10 यूज करना है, तो बताना है सब कुछ। तो सब कुछ में क्या, तो टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा बटा जी, तो 10 साइन 30 डिग्री बाई जी का वैल्यू 10 साइन 31 बाई 2 सेकेंड। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट फिर से यू साइन थीटा बटा में जी, तो हाफ सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब हाफ प्लस हाफ, मतलब एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है बच्चों मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g, तो 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 2 × 10, तो आ गया 100, 1/2 का स्क्वायर और 2 × 10, 10 से 10 कैंसिल, यहां 5 का हो गया, तो मैक्सिमम हाइट आ गया 5/4 मीटर। फिर आता है बच्चों रेंज, मतलब कितना दूर गिरा है या रेंज क्या है, तो रेंज आर बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, तो आर का वैल्यू लिखोगे तो 10 का स्क्वायर साइन 2 × 30 डिग्री बाई 10, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, साइन 2 × 30 60 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया, तो आ गया आर बराबर 5√3 मीटर। यह क्वेश्चन हुआ बच्चों, तो इस तरह के अच्छे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, मेहनत करोगे तो जरूर बाबू समझ जाओगे, मेहनत करके इसको बनाना होता है, ध्यान दो, कंप्लीट मेहनत करके पैटर्न को क्लियर करना होगा, हटाते हैं इसे। ठीक है, तो एक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आज हम तुम लोग को सब फॉर्मूला सिखाए और उस पर फिर न्यूमेरिकल कराए। देखो पूरा मोशन मेरिस्ट एंड मोशन चैप्टर में हम एक टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हें सिखा देंगे, एक चीज सीख जाओगे, केवल वीडियो से जुड़कर रिपीटेड वीडियोज भी देखा करो, रिपीट किया करो, मेहनत किया करो, क्योंकि सब बात सीखना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान दो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी बॉडी को फेंक दिया गया, ठीक,
तो यह आर रेंज जाकर गिरा, ठीक, और यहां पर यह एच था मैक्सिमम हाइट। कह रहा है कि फाइंड कीजिए टेन थीटा की वैल्यू, यदि रेंज जो है, यदि मैक्सिमम हाइट जो है, यह जो हाइट है वह रेंज के बराबर हो। यह क्वेश्चन दे दिया कि टेन थीटा निकालिए अगर मैक्सिमम हाइट जो है रेंज के बराबर हो। यह क्वेश्चन मानने का कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यह है कि फॉर्मूला याद रहेगा बन जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा में टू जी होता है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा में जी होता है, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा को टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिखते हैं, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां आ गया टू इंटू टू, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, तो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर आ गया फोर। तो सोचो टेन थीटा का वैल्यू निकालना था यदि मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर हो। तो ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो कि फॉर्मूला पे आधारित होते हैं। पहले तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन की सभी थ्योरी को जरूर समझना होगा, तभी इन सब चीजों को तुम समझ पाओगे क्लियर कट में। अभी इसको नोट कर लोगे, ठीक है, धीरे धीरे ही करके सभी प्रॉब्लम्स को हम तुम्हें बता देंगे। जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन में, मेडिकल नीट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे होंगे विथ बोर्ड, एक बात समझ लो, बोर्ड के साथ साथ सभी कंपटीशन का तैयारी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा बच्चों, अपने आप को चेंज करना होगा, और यह चेंज तुमको यहीं से मिलेगा कि कैसे कैसे तुम चीजों को सीखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बच्चों किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से उठाकर थीटा एंगल पर फेंक दिए, तो कहीं जाके गिर गया, उसे रेंज कहते हैं आर, आर बराबर रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा में जी होगा। यू बढ़ाते जाओगे, स्पीड बढ़ाते जाओगे तो दूर गिरते जाएगा, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना दूर जाके गिरेगा, मतलब दूर फेंक, स्पीड से फेंकेंगे तो दूर, लेकिन अगर यू सेम हो, यू अगर कॉन्स्टेंट हो तब आर मैक्सिमम कब होगा, मैंने दूर कब, या आर जो है सबसे अधिक कब होगा। तो यू अगर कांस्टेंट है तो आर सबसे अधिक दूर से दूर कब होगा, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों समझना है, ध्यान पूर्वक समझो। तो देखो, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, आर को अधिक से अधिक होने के लिए साइन टू थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि देखो जी तो कांस्टेंट होता है, यू कांस्टेंट है, तो यह सबसे अधिक होगा तब ना आर अधिक होगा। क्वेश्चन में बोल दिया कि यू कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट होता ही है, इसका वैल्यू तो फिक्स है, और यू भी बोल रहा है फिक्स है, तो आर अधिक से अधिक कब होगा, जब साइन टू थीटा अधिक होगा। अब साइन टू थीटा का सबसे बड़ा मान होता है वन, साइन का सबसे बड़ा मान होता है वन, और साइन टू थीटा का सबसे बड़ा मान वन होता कब है, तो 90 डिग्री पे, तो टू थीटा कब आ गया, तो 90 डिग्री, तो थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री एंगल पर किसी बॉडी को फेंकोगे तो दूर जाकर, सबसे दूर जाकर गिरता है, ठीक है। तो एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, यह नोट याद रखना बच्चों, 45 डिग्री के फेंकने के एंगल पर रेंज सबसे अधिक होता है, और वह मैक्सिमम रेंज जो होता है वह यू स्क्वायर बटा में जी के बराबर होता है, क्योंकि उस समय साइन टू थीटा का मान वन होता है। तो यह कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो सबसे दूर जाकर गिरेगा, और वह दूरी कितना होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होगा। तो यह कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना बच्चों। तो देखो धीरे धीरे ही सही तुम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, तो तुम चीजों को आगे समझ पाओगे। अब तुमसे बोलेगा कि 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 70 डिग्री पर कब रेंज अधिक होगा, तो 45 डिग्री पर रेंज सबसे अधिक होगा, 45 डिग्री वैल्यू पर सबसे बड़ा रेंज होता है बच्चों। आगे इसको हटाते हैं, ठीक है, तो नोट करते जाओगे, कोशिश करते जाओगे तो जरूर सब बात को सीखोगे,
कि हम लोग कैसे थ्योरी को फील कर रहे हैं। तो थ्योरी यह है बच्चों कि किसी भी बॉडी को अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो वह इस तरह मोशन करता है, इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। इसमें इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यू कॉस थीटा कांस्टेंट होता है। यू साइन थीटा ऊपर की ओर रहता है, वही ऊपर ले जाता है, वह धीरे धीरे घटता है फिर बढ़ता है नीचे आने में। तो यहाँ कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि पहले बॉडी में दो डायरेक्शन है, एक्स और वाई। वाई डायरेक्शन का मोशन ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, एक्स का ऐसे मोशन हो रहा है, और मिक्सर मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आज एक्सप्रेशन कराए हैं, जो भी चीजें आज सिखाए हैं, आज पूरा कंप्लीट करो, फिर अगले वीडियोज में इसके आगे के थ्योरी को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।